एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेडिंग लहंगा की। आई मीन 90% लोगों का वेडिंग लहंगा एक अच्छे से सुंदर से पैकेट में पैक होकर रख दिया जाता है, या तो उसे कुछ लोग फर्स्ट करवा चौथ में पहन लेते हैं, या फिर वो कभी भी नहीं पहना जाता और वो बस रखा ही रहता है और बस धूल खाता है। ज़्यादातर लोग वेडिंग लहंगा तो क्यों नहीं पहनना चाहते, बिकॉज फर्स्टली वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, एंड सेकेंडली आपको उस एंटायर लुक में, उस ब्राइडल लुक में सभी ने देखा होता है और आपने उन पिक्चर्स को इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे पोस्ट किया होता है, तो आप उसे रिपीट नहीं करना चाहते। बट इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊँगी जिससे आप लहंगे को बहुत ज़्यादा हल्का कर सकते हैं, उसका वेट आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, एंड मैं बहुत सारे स्टाइल्स दिखाऊंगी जिससे आपका लहंगा लगेगा ही नहीं कि ये ब्राइडल लहंगा है। आई मीन वेडिंग लहंगा इतना एक्सपेंसिव होता है और आपके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए होते हैं, और उसे सिर्फ लाइफ में एक बार पहनना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर एट ऑल। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादातर सभी वेडिंग लहंगाज में नीचे कैन लगी होती है ताकि जो लहंगा है वो स्टिफ रहे। ट्रस्ट मी, मैंने उस कैन को निकलवाया एंड मेरे लहंगे का आधी से ज़्यादा वेट कम हो गया, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ऑब्वियसली बाद में आपको वो ब्राइडल लुक तो नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, 70% आपका लहंगा हल्का हो जाएगा एंड आपको बहुत आसानी होगी उसे रीस्टाइल करने में, बाद में पहनने में। दूसरा काम जो मैंने किया है, अपने वेडिंग लहंगा की लेंथ को मैंने कम कराया है। शादी पे तो आप क्वीन होती है, आपको इतने सारे लोग होते हैं हेल्प करने वाले एंड आपको सिर्फ रेड कारपेट पे चलना होता है, बट बाद में तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको 10 काम भी करने हैं, तैयार भी होना है एंड फिर पार्टी में भी जाना है। अगर आप अपनी लेंथ को कम नहीं कराएंगे तो आप जहाँ भी जाएंगी बस सफाई होती चली जाएगी। सो आप स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हो जाएंगी एंड वी रियली डोंट वॉन्ट दैट। इस लुक के लिए मैंने अपने वेडिंग लहंगा को एक कुर्ती के साथ स्टाइल किया है एंड मैंने कुर्ती को गोल्डन रखा है, बिकॉज मैजेंटा काफ़ी स्ट्रांग कलर होता है, तो उस कलर को टोन डाउन करने के लिए मैंने गोल्डन कुर्ती को सिलेक्ट किया है। गोल्डन कुर्ती अपने आप में ही एक बहुत ही वर्सेटाइल पीसेस है, मैं और एथनिक पीसेस के साथ उसको बाद में स्टाइल कर सकती हूँ। एंड मैंने कॉन्शियसली एक लॉन्ग स्लिट कुर्ती चूज़ करी है, बिकॉज कुर्ती लॉन्ग है तो मेरा काफ़ी हद तक लहंगा कवर हो जाता है, बट एट द सेम टाइम इसमें जो लॉन्ग स्लिट, हाई स्लिट दी हुई है उससे मेरा थोड़ा सा लहंगा दिखेगा। दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्टेड इट। मैंने अपने ईयरिंग्स को भी बीज और गोल्डन में रखा है ताकि मेरा लुक जो है और भी सिंपल हो जाए। उसके साथ मैंने एक लाइट दुपट्टा चूज़ किया है जो मेरी मम्मी का लहंगा है, मेरी मम्मी ने इस लहंगे को मेरी शादी में पहना था। दिस इज़ हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। आप इसे ईजिली अपने रिलेटिव्स की शादी में पहन सकते हैं या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में पहन सकते हैं। इस लुक के लिए मैंने एक सिंपल कुर्ता को जैजअप किया है अपने वेडिंग दुपट्टा से। इत्तेफाक से दोनों का कलर मैच हो रहा था, तो अच्छी बात है, अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग रखेंगे कलर्स को तब भी अच्छा लगेगा। एंड मैंने बस एक तरफ से दुपट्टे को कैरी किया है एंड दूसरी तरफ से अपने हाथ पे दुपट्टे को रोल किया है। शादी के बाद इतनी सारी गैदरिंग्स होती हैं, आप उसमें इस स्टाइल को कैरी कर सकते हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इस लुक के लिए मैंने एक पेपलम टॉप स्टाइल किया है अपने वेडिंग लहंगा के साथ। पहले मैं एक गोल्डन पेपलम टॉप ढूंढ रही थी ऑनलाइन, बट मुझे मिला नहीं। मिंत्रा पर मैंने ये देखा एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड इट विदाउट अ डाउट, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है मेरे वेडिंग लहंगा के कलर से। आई थिंक ये काफ़ी मॉडर्न और लाइक इंडो वेस्टर्न टाइप ऑफ लुक है। आप इसे ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, अगर आपको दुपट्टा लेना है आप दुपट्टा भी ले सकते हैं। एंड दिस इज हाउ अ होल ब्रांड न्यू लुक इज रेडी विदाउट स्पेंडिंग टू मच। अपने ब्लाउज को अपने शरारा पैंट्स के साथ स्टाइल किया है एंड आई एम इन लव विद दिस लुक। एंड मैंने एक ग्रीन कलर का दुपट्टा लिया है जो एक डिफरेंट लहंगा का दुपट्टा है। इस लुक के साथ मैंने फ्लोरल ज्वेलरी को स्टाइल किया है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ज्वेलरी थी, मैंने अपने मेहंदी फंक्शन पे इसको पहना था।
अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड का मेहंदी फंक्शन होगा तो मैं इसी लुक को पहन के जाऊंगी। इस लुक के लिए मैंने बाकी सब सेम रखा है, बट मैंने दुपट्टे को चेंज कर दिया है। ये दुपट्टा मेरा जो पिंक सूट मैंने पहले दिखाया था उसके साथ ये दुपट्टा आया था। मैंने दुपट्टे को एक डिफरेंट स्टाइल में पहना है एंड ये जो हाफ एंड हाफ साड़ी वाला स्टाइल है, आई एम टोटली लविंग दिस। मैंने अपनी ज्वेलरी को कॉन्ट्रास्ट में रखा है, मैंने ग्रीन ज्वेलरी पहन ली है। यहाँ मैंने अपने ब्लाउज को एक डिफरेंट लहंगे के साथ स्टाइल किया है। लहंगे में जो फ्लावर्स बन रहे हैं उसमें पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी है एंड वो मैच कर रहा है मेरे ब्लाउज से। इसमें एक्चुअली बीच कलर का ब्लाउज आया था, आई थिंक उससे ज़्यादा ये ब्लाउज इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज ये एक इंस्टेंट कलर ऐड करता है पूरे लुक में। इफ यू लाइक द वीडियो एंड अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना लहंगा निकाल के उसे स्टाइल करना चाहें सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Give this video a big fat thumbs up and I'll see you soon in my next video. Bye!